जब भी किसी इंसान या जानवर का पैर किसी सांप के ऊपर पड़ जाता है तो सांप उसे काट लेता है और सांप के काटते ही उस आदमी या जानवर की एक घंटे में मौत हो जाती है। पर सांप के जहर से इंसान की मौत होती क्यों है और इसका जहर इंसान के शरीर पर किस तरह का काम करता है, हमेशा की तरह कुछ इंटरेस्टिंग सा बताएंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में शर्माती है, वैसे ही सांप हम इंसानों से शर्माते हैं, क्योंकि सांप बहुत ही शर्मीले मिजाज के होते हैं और ये तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनकी जान पर खतरा नहीं होता है। और जब ये किसी इंसान को काटते हैं तो वह अपना जहर इंसान की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और इसका जहर खून को कुछ देर बाद इतना गाढ़ा कर देता है कि जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और हार्ट खून को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से इंसान की मौत हो जाती है। वैसे आप बताओ कि आपको सबसे ज्यादा किस रेप्टाइल से डर लगता है? वरना लाइक करो, फॉलो करो। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि अगर किसी गरीब की मदद करने के बारे में सोचते हैं तो अच्छे से अच्छा कैमरा ऑन कर लेते हैं ताकि भाई साहब वीडियो और फोटो अच्छी ली जा सके, और जब मदद के लिए आते हैं तो पहले वीडियो और फोटो खिंचवाते हैं फिर मदद करते हैं। और ऐसा ही होता है अगर किसी के साथ कोई रोड पर हादसा या एक्सीडेंट हो जाए तो लोग उसकी मदद करने की जगह पर लग जाते हैं फोटो और वीडियो बनाने में। और कुछ ऐसा ही हुआ मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले के साथ भी, जब हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाले के ऊपर 30 के आसपास गोलियां उनकी कार पर बरसा दी जो उन्हें जाकर लगी और फिर उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई, लेकिन उनकी सांसें फिर भी चल रही थी। अगर उन्हें वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच भी सकती थी, लेकिन इस हादसे के बाद लोग उनकी वीडियोस और फोटोज खींचने में लगे रहे और ये सिलसिला लगभग 25 मिनट तक चलता रहा, जिसमें सिद्धू मूसेवाले की सांसें लगातार चलती रही। फिर भी उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। फिर कुछ देर बाद कुछ दोस्तों ने अपनी कार में डालकर सिद्धू मूसेवाला को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी हॉस्पिटल पहुंचने पर ही मौत हो गई। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज ट्रेन के सामने आती है तो उसका मरना पक्का हो जाता है, लेकिन जब ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक दिए जाते हैं तब भी ड्राइवर ट्रेन को ठुक जाने देता है। ऐसे में ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाता क्यों नहीं है और क्या इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन पटरी से उतर जाती है? एक मिनट में गजब की नॉलेज देंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कोई नॉर्मल ट्रेन पटरी पर चल रही होती है तो उसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर होती है। ऐसे में अगर ट्रेन ड्राइवर नॉर्मल ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकता है तो वह ट्रेन 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में रुक जाती है, और अगर ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक का यूज करता है तो वह ट्रेन रुकते रुकते लगभग 500 से 800 मीटर की दूरी तय कर लेती है। ऐसे में जब कोई चीज ट्रेन के सामने आ जाती है तो जब तक ड्राइवर को विजिबल होती है और उसे लगता है कि अब ब्रेक लगानी चाहिए तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तब तक ट्रेन उस चीज के बहुत पास पहुंच जाती है। इसीलिए ट्रेन को ड्राइवर नहीं रोकता है क्योंकि वह चाह कर भी उस चीज को बचा नहीं सकता, फिर चाहे वह इमरजेंसी ब्रेक का यूज ही क्यों ना कर ले। और कभी भी कोई ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लगाने से पटरी से नीचे नहीं उतरती, अगर ऐसा होता तो ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक आजकल हम सोशल मीडिया के जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पर रिलेशनशिप आम बात है और ऐसे रिलेशंस के 2-4 दिन में हो जाते हैं ब्रेकअप। उसके बाद हमारा दोस्त हमारे पास कुत्ते की तरह रोता हुआ आता है और पूछने पर कहता है कि तुम नहीं समझ सकते टूटे हुए दिल का दर्द। तो क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है या फिर सिंपैथी पाने के लिए की जाती है ये नौटंकी? हम आपके लिए हमेशा ही कुछ नया लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस बात को जानने के लिए मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इथान क्रॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 40 ऐसे कपल्स को लिया जिनके पार्टनर उन्हें किसी न किसी वजह से छोड़कर चले गए थे। फिर उन्होंने उनके एक हाथ पे उतनी उष्मा डाली जितनी कि एक कप चाय गर्म होती है, और दूसरे टेस्ट में उन्हें उनके पार्टनर की पिक्चर दिखाई गई। उसके बाद एमआरआई के रिजल्ट्स में पता चला कि दोनों ही कंडीशन में ब्रेन के ऐसे पार्ट एक्टिव हुए जो कि चोट लगने पर होते हैं। फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि दिल टूटने का दर्द फिजिकल दर्द के बराबर ही होता है, इसीलिए अगर कोई ऐसी कंडीशन में हो तो उसे सपोर्ट जरूर करें। वैसे तो हम सभी किसी न किसी व्हीकल को चलाते रहते हैं और जब उसे रोकने की बात आती है तो हम सीधा ब्रेक को दबाते हैं और ब्रेक को दबाते ही व्हीकल आसानी से रुक जाता है, लेकिन हवा में उड़ने वाले प्लेन को जब रोकना होता है तो कैसे रोकते हैं और इसमें किस तरह की ब्रेक यूज होती है? एक मिनट में गजब की नॉलेज देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जब भी किसी वाहन में ब्रेक लगती है तो इसका केवल एक ही कारण है कि टायर और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, लेकिन प्लेन तो हवा में होता है तो इसे जब लैंड कराते हैं तो इसमें
में ब्रेक लगाने के लिए प्लेन के विंग्स के थोड़े हिस्से को ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हवा उन विंग्स पे टकराए, और इसके बाद प्लेन में लगे एग्जॉस्ट फैन को रिवर्स में चलाया जाता है, जिससे कि वो हवा को आगे की ओर फेंकने लगता है, और इन दोनों तरीकों से हवा प्लेन के स्पीड को कम कर देती है और इस तरह प्लेन सेफली लैंड हो जाता है। वैसे आप बताओ, आपको डिस्क ब्रेक ज्यादा अच्छी लगती है या फिर नॉर्मल ब्रेक? वरना लाइक करो, फॉलो करो।